नमस्कार, मैं भाष और इस समय न्यूज क्लिक की टीम के साथ हम खड़े हैं जालंधर में, और न्यूज क्लिक की टीम के साथ मैं आपको ले चलूंगी अमृतसर, जालंधर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया चुनावी रैली को एड्रेस करते हुए कि वह नवा पंजाब बनाएंगे अगर भाजपा शासन में आएगी। अमृतसर में किस तरह से लोग सोच रहे हैं, मुद्दा सिर्फ ये है या पंजाब क्या त्रिशंकु की तरफ बढ़ रहा है? सवाल बहुत तीखा और साफ है, जालंधर हो या पूरा पंजाब, आम जनता जो सड़क पर है वह क्या सोच रही है, क्या बोलना चाह रही है और क्या नहीं बोलना चाह रही है? चलिए टटोलते हैं उनके मन को। जो लोगों के मुद्दे हैं ना, वो ढूंढ रहे हैं इस इलेक्शन में कि हमारी बात कहाँ है, वो नहीं आ रही उभर के। आपने देखा होगा कि किसान मूवमेंट में कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ इतना जज्बा था पंजाबियों में, किसानों में और आम लोगों ने भी। वो इलेक्शन में कहीं कॉरपोरेट का नाम ही नहीं सुना हमने, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहें कि हम ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे यहाँ कॉरपोरेशन आम किसानों की, छोटे दुकानदारों की और छोटे सनअतकारों की लूट करने बंद कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़गार की बात नहीं है, सेहत की बात नहीं है, और ऐसे वातावरण की बात नहीं है। जो पर्यावरण है हमारा इतना ख़राब हो गया, पानी इतनी नीचे चला गया है, पंजाब को लग रहा है कि राजस्थान बन जाएगा अगर 20 साल और ऐसे चलता रहा तो। वो मुद्दा ही नहीं है कोई भी, तो लोग मुद्दे ढूंढने में लगे हुए हैं कि हम कहाँ हैं इस इलेक्शन में। ना तो स्वास्थ्य मुद्दा बनता है, ना लोगों की लाइफ का कोई मुद्दा बनता है, ना बच्चों के फ्यूचर का कोई मुद्दा बनता है। एक विकास विकास बोल देते हैं, जो सड़कें बन गई वो विकास हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग का, लोगों की सेहत का, या बच्चों के फ्यूचर का, इसका कोई मुद्दा कभी नहीं होता। जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था और जिस तरह का लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, एक पंजाब में विचार मंथन हुआ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कि जो दिल्ली में शासन चल रहा है किसका है, कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, ये सारे बातें में चर्चा हुई। तो ज़्यादा आशा ये थी कि जो दिल्ली किसान मोर्चे की जीत के बाद उसी बातों को लेकर हम पंजाब के लोगों के पास जाएंगे, लेकिन उसमें एक कमी आ गई। एक कमी ये आ गई कि तमाम संगठन लड़ने के, चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए किस्सा कहता कि हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारा आपसे कोई ज़्यादा दुश्मनी का वास्ता नहीं है, ना भी लड़ें तो, लेकिन हमारा अटैक उन्हीं पार्टियों के ऊपर रहेगा, लेकिन एकजुट होकर लड़ते तो इसका और असर पड़ता। इसलिए जब हमने ये संयुक्त समाज मोर्चा बनाया, जिसमें ज़्यादा संगठन वही हैं जो दिल्ली में किसान आंदोलन थे, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें मिस कर गए। यदि एकजुट होकर लड़ते तो पंजाब का माहौल बिल्कुल ही अलग होता। बच्चों का और लेडीज़ का इसके बारे में तो आज तक किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि इतने पैसे दे देंगे, इतनी लेडीज़ के उसमें आ जाएगी, जितने पैसे देंगे इससे क्या लेडीज़ क्या कर पाएंगे? सेहत का कुछ कर पाएंगी, या अपने अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ कर पाएंगी, या अपनी फैमिली के लिए कुछ डेवलप कर पाएंगे? भिखारी क्यों बना रहे हैं कि ये चीज़ दे देंगे, ये चीज़ दे देंगे? ये एक लालच, जैसे बच्चों को टॉफियाँ बांटने वाला लालच है ना, वो लग रहा है कि बच्चों को टॉफ़ी दे दी, ऐसे औरतों को भी 1000 दे दिया, इसलिए चुप करके बैठ जाओ। जो घरों में पहले होता था कि इसको चुप करवाना है तो कुछ दे दो, ठीक है ना, तो लेडी चुप कर जाएगी, उसको सूट सिलवा दो, उसको शूज़ ले दो, ठीक है ना। ये वो ही आज लीडर लोग कर रहे हैं, उसी समझ से ही कि इसको कुछ दे दो तो इसलिए चुप बैठ जाएगी, वो अपने बारे सोचेगी ही नहीं। 100-150 दिन में चन्नी ने जो किया, जुमले की तरह जो मोदी ने 2014 में आने के बाद जो किया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 6 दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ साल में नौकरी दे देंगे, चन्नी ने भी सीधा इधर यही किया। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मांग रहे थे उनको मानसे में, लाठी में, चन्नी की रैलियों में ही पीटा गया। मतलब ऐसे स्लोगन पोस्टर चन्नी ने बखूबी कांग्रेस ने लगाए, पर उसका फ़ायदा मतलब लगता नहीं है मिलेगा, क्योंकि वो उसकी हवा, क्योंकि एक तजर्बा लोगों का मोदी की तरफ से रहा था कि ऐसे जुमले होते हैं, और चन्नी ने उसी तर्ज पर पंजाब में जो किया वो सामने आ गया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों को था, एक पंजाब के लोगों को था कि यार ये जो आप है शायद ये हमारे मुद्दे उठाएगी, लेकिन जो अब केजरीवाल कह रहे हैं
हिंदू खतरे में हैं। भगवंत मान जो कह रहे हैं, राघव चड्ढा के बयान आ रहे हैं कि जो कांग्रेस ने था कि इसको सुनील जाखड़ जी को इसके लिए सीएम नहीं बनाया कि वो हिंदू थे, लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो बहुत पीछे छूट गए हैं। हमारे पंजाब में सिर्फ 47 जो कॉलेज हैं वो सरकारी हैं, पहले 50 थे, पहले से 3 बंद हो गए हैं, उसमें 1850 ऐसे कुछ जो हैं पद हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आप कह लीजिए कि 250 भरे हुए हैं, तो वो पद खाली हैं, लेकिन उनका कोई भी जिक्र नहीं है। जानबूझकर उन पर स्टेल गाई गई है, लेकिन उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, और ना तो आप उठा रही है, ना कांग्रेस उठा रही है, ना अकाली दल उठा रहा है। ये वार्ड नंबर 34 है अमृतसर का, विकास कहीं भी नहीं हुआ। विकास तो चाहिए, मैं खुद इंचार्ज हूँ कांग्रेस पार्टी से, लेकिन विकास कभी भी विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। सभी पार्टी यही कह रही विकास करें से, पहले अकाली आए फिर कांग्रेस ही आ गए, पार्टी ना बदल आ रही है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। मुद्दा तो मैडम जी सबसे बड़ा ये चाहिए भी कोई बच्चों को कारोबार मिलना चाहिए, बच्चे बहुत बेरोजगार तुरे फिर बड़ी मुश्किल है, कारोबार कोई है नहीं है। प्लस टू आम जरा गरीब परिवार प्लस टू तक पढ़ा सकता, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करा सकता, ज़्यादा पढ़ाइया खर्चा लगता, बहुत मुश्किल है। मंत्री तो बन जाता है लेकिन बात नहीं सुनता, काम नहीं होता कोई भी। ये काम है, ये दरबार साहब का एरिया कौन सा है, मेन एरिया है दरबार साहब का, तो इसकी सड़क देखो ये क्या है, ये सड़क देखो, रोज का 2-4 आदमी यहाँ पे गिरता है और नाली कोई नहीं बन रही है। हमारा विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल नज़दीक है दरबार साहब का, नकास वहाँ पे होता है जहाँ पे वोट है, जहाँ पे वोट नहीं है किसी की, ये वोट है तो पता नहीं वो किस पार्टी की है, दुकान किस किस की है, उसको वोट पड़नी है, इसलिए यहाँ पे नकास नहीं होता। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ लेकिन मैंने खुद अभी चलो काफ़ी काम करवा रहा हूँ, अभी मैं टेंडर पास करवा दिया है ये गली नालों का, अपने इलाके का बता रहा हूँ, चलो अभी काम बहुत स्लो चल रहा है। मैं खुद कांग्रेस से हूँ लेकिन मुझे मालूम है काम काफ़ी स्लो चल रहा है, कि ज़्यादा तो पैसे की प्रॉब्लम होती है, मेन यही था, ऑर्डर कर देते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल में काम नहीं हो रहा, इतना होता है बहुत स्लो होता है, जो काम 1 महीने में होना चाहिए वो 5 साल में हो रहा है। उधर तो विकास ही है, विकास होना चाहिए हर जगह, रोज़गार मिलना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा है, हर चीज़ मिलनी चाहिए, कोई भी सरकार आए सब कुछ मिलना चाहिए, ये मिल नहीं रहा है, प्रॉपर नहीं मिल रहा है। कैप्टन साहब रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं ज़्यादा यहाँ पे पंजाब में पहले, अभी तो वो नहीं है खैर, मतलब देखो क्या होता है, लोग किसको चुनते हैं ये पता नहीं। अब चन्नी ने बड़े काम करते हैं, बिल माफ़ हो गए जिन्हें दे तो गुण गा रहे चन्नी दे, कई प्लाट भी मिल गए 5-5 मरले दे। हाँ इतने 100 दिन में 100 दिन में प्लाट मिले 5-5 मरले दे, बिल माफ हो गए लखां दे लख, वो तो कांग्रेस नूं चाह रहे लोग, तो जिन्हां नूं कुछ भी नहीं मिलिया वो कहिंदे वी झाड़ू आ जाए। जो चन्नी ने काम किया ना, इसीलिए मैं दोबारा जुड़ा हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी को एक बार किनारा कर दिया था, क्योंकि काम नहीं कुछ हुआ था। चन्नी में जो 3 महीने में काम किया ना, अभी 3 रुपये 60 पैसे यूनिट है बिजली की, इस महीने में जो लोगों को बिल आए ना, किसी को आया 400, कहीं मेरा खुद का 5,000 से ऊपर बिल आता था, इस बार मुझे 700 कुछ रुपये बिल आया। हमें आटा दाल कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, सब कुछ हम खरीद लेंगे, हमें रोज़गार चाहिए, हम मांगते थोड़ा हैं जो मांग के खाएंगे, कमा सकते हैं हम लोग, रोज़गार दो हमको, कमा के खाएंगे हम लोग। इस समय मैं खड़ी हूँ अमृतसर में गोल्डन टेंपल में, स्वर्ण मंदिर के सामने, और पूरे अमृतसर का जो माहौल है, जिस तरह से लोग अपने मुद्दे रख रहे हैं, जिस तरह से सरकारों की उपेक्षा रही है, उसे तो परेशानी है ही, लेकिन साथ ही साथ अलग ढंग के गठबंधनों की भी आहट यहाँ पर बहुत तीखी और साफ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक हंग असेंबली की बात है, और हंग असेंबली की जो लोग बात कर रहे हैं उनके पीछे भाजपा और आरएसएस का जो बड़ा खेल पंजाब की राजनीति में चल रहा है, उससे उसका एहसास हमें हो रहा है कि एक बड़े खेल की भी तैयारी पंजाब में चल रही है, और इसका पूरा असर पूरी माहौल हमें यहाँ देखने को मिला।